हजारपन से उसे गुरु जी से हट गए, उनका नाश करे उसने पहले तो परमात्मा से विमुख किया। और वहाँ एक दो तीन चार साल रहा, वो पाँच चार साल रहा, लेकिन वहाँ कोई लाभ होया नहीं क्योंकि वो तो स्रोत नहीं था। तो उनको लगी आनी ओण, जो उसके अनुयायी थे वो उसके आश्रम में जाना बंद कर गए। अब उसने तगड़म बाजी सुनाई, सोची भाई ये तो क्या हो गया, भगत आते नहीं आश्रम में, डेरे में पाँच चार चेले बना रहा था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि आज न्यों कह दो नगरी में जाके कि आज परमेश्वर गुरु जी का प्रगट दिवस है कबीर साहब का, फिर तावेंगे और भाई कल भंडारा करेंगे और दूध लाइयो सारे। अब गांव में पहले तो वो खूब पूजा करा करते, दूध के लोटे ले ले जा करते, फिर वो तो कुछ उसके पास था नहीं, सारे उल्टे हट गए। और थोड़ी बहुत भक्ति मालिक के शरण में उसने की थी, वो डिस्चार्ज हो ली, कुछ दिन लाभ लोभ दे दिया, फिर वो कुछ ना होता था। तो पूरी नगरी में कहा है भाई कल दूध ले आइयो सारे और भंडारा करांगे गुरु जी का प्रगट दिवस कबीर जी का, और सारे आइयो। अब एक ड्राम धर दिया दूध का बाहर, पतील ड्राम होया कर लोहे का, ऐसा बड़ा सा माट रख दिया बाहर लोहे का, मतलब आंगन में, कि यहाँ आवे और गांव वाले दूध चढ़ा जाए। तो वक्त आने लागे चार बजे, साढ़े तीन बजे चार बजे। अब मालिक कबीर परमात्मा की कृपा, सबके मन में एक भावना बना दी तकरीबन कि भाई दूध थोड़ा है, गर्मी का दिन है और मैं बखते जाऊंगा, लोटा भरा पानी का और चल पड़े ऊपर तक ढक के कपड़े तय, और वहां जाकर के महाराज जी कहाँ डाले दूध को, भाई डाल दो वो ड्राम रखा है, वो अंधेरा था उसमें गेल तरड़ तरड़, हाँ वो डालता दिखा है उसमें, मेरे ख्याल में पांच चार लोटे तो दूध गए होंगे और बाकी ड्राम दूध पानी का ठोक गए वो गाँव वाले बखते थे वक़्त से। तो कमाल बोला अपने चेलिया तो भाई अब तक सारा गांव टूट के पड़ गया, भाई देख ले फिर श्रद्धा बनेगी इनकी दिख है, और चलो बनाओ खीर। वो चेलिया ने उठाया कपड़ा, क्योंकि पानी डाल और उसमें ढक जाए कपड़े ने, उसको ऊपर डाल रखा था कपड़ा, चेलिया ने उठाया कपड़ा देखा उसमें, कहने लगे गुरु जी इसमें तो पानी भरा है। बोला है इन्हों को कर बोला देख लो, आके देखा तो उसमें और ड्राम पानी का भरा सफ़ेद सफ़ेद, थोड़ा बहुत दो चार लोटे दूध उसमें बाकी पानी जल का भर दिया। वो उतना बेशर्मी महसूस कर गया वो कमाल, वहाँ से उस गांव ने रात ने बाज गया छोड़ गया, करा कि तुम मर्या जा कर। तो पुणात्माओं गुरु को तजय बजय जो आना तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु से बैर करे सस जोई भजन नास और भौत बिगोई, पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी गुरु आज्ञा सिस लोप जो कर ही। गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना जो करता है वो परिवार सहित नरक में जाता है। चेला अथवा उपासक होई गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। अब चेला और उपासक में थोड़ा डिफरेंस कर रहे हैं परमात्मा, के जो आश्रम में रहते हैं उनको आम व्यक्ति ने कही आपके चेले, लेकिन चेले तो सारे ही होते हैं। तो यहाँ कहते हैं चेला अथवा उपासक होई गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई ही वेद पुराण भाखत सब कोई, सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे से सकल निवारे। मुख पर तो हाँ जी हाँ जी, बाहर जाकर नुको ना बनो की बात बने है, अरे यही बात बिगड़ जाएगी। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे ते सकल निवारे, सो सिस घोर नरक में पढ़ी रुद्र राद पी वह नहीं तरही, मुख पर वचन करे परमाना घर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी हाँ भर ले गुरु जी का आज्ञा, घर न जाकर सो विवेचन करता है गुरु जी के आदेश में और फिर विचार विमर्श, फिर किसे गुरु किसे भक्त, जहाँ जावे ता निंदा कर ही सो शिष क्रोध अग्नि में जर ही, ऐसे शिष को ठाहर नाही गुरु विमुख लोचत मन माही, वेद पुराण कहे सब साखी साखी शब्द सब यो बाकी, मानुष जन्म पाय कर खोवे सत गुरु विमुखा युग युग रोवे। ओए होए, अब जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, गुरुद्रोही बन जाते हैं, निंदा करते हैं,
क्योंकि गुरु से विमुख दो प्रकार से होते हैं, एक तो कोई विकार करन लग जा, गुटी छुट्टी लाने लग जा, दो चार साल ठीक रह के और वैसे कोई नाम खंड हो जा, रुचि ना रहे, वो गुरुद्रोही नहीं होता, ना आता तो अपने कर्म बिगाड़ दिए वैसे। और जो नाम लेकर छोड़ जाता है और छोड़ नहीं जाता, फिर निंदा करता है, वहाँ तो ऐसा है, मैंने बेरा है, गुरु जी ऐसे करते हैं, न्यू करते हैं, वो तो लालची हैं, फलाण हैं, वो गुरुद्रोही हो गया। और ऐसे व्यक्ति के पास आपने भूल के नहीं फटकना चाहिए। अब ये नहीं, जैसे आप कुछ ऐसे भी समस्या है कि एक घर में एक गुरुद्रोही हो जाता है, एक नाम ले रहा है, तो वो रहना तो कट्ठा ही पड़ेगा, लेकिन उसके विचारों में विचार नहीं मिलाने चाहिए, उसके उस मार्ग में वो बात चलाओ तो उठ कर चला जाए, एक लो बैठ जाए अपना, तो वो सुनकर भी नहीं सुना। क्या कहते हैं, गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, गरीबदास जी कहते हैं, गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, चौरासी निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। पेड़ पर पेड़ आना, पेड़ पे पग टेकना, यानी जिस रास्ते से गुरुद्रोही जा रहा है और आप भी उसी के पीछे पीछे उसी के कदम पे कदम रख रहे हो, यानी उसके पीछे जा रहे हो, ये तो है एक इसका उदाहरण है। लेकिन जो है उपमात्मक तरीके से मालिक ने बताया है कि जो गुरुद्रोही बकवाद करता है और आपने उसके कदम में कदम नहीं मिलाना, उसके यश नहीं करना उसकी बातों में, अगर ऐसा करते हो तो कहते फिर नरक में आप भी जाओगे, ये परमात्मा कबीर जी कहते हैं। वो बकवास करता है, नहीं सुननी चाहिए एक ना भाई, ये तो विषय छोड़ दे, ये और बात बता दे बस, कोई जिक्र है तो करना, तो अपना काम करा मैं अपना, तो वो फिर आपने सुनकर भी नहीं सुना। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, चौरासी निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, जानबूझ साची तजे और करे झूठ तेने, जाकी संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। गुरुद्रोही कौन बनेगा, जो पहले से रह चुका हुआ और इतने ज्ञान को सुनकर जानबूझ अपने मान बढ़ाई या कोई बकवादों को के कारण वो दूर होता है, कहते हैं जानबूझ साची तजे और करे झूठ तेने, बकवादा माव इन्हों के घर भक्ति कर लूंगा, हम तो ये मंत्र जाप कर लेंगे, घर का राज है। कहते हैं इसे इंसान की संगत उसका कभी मेल भगवान स्वप्न में भी ना करना चाहिए। परमात्मा गुरु जी के प्रति कैसा भाव हो, दो कर जोर गुरु के आगे करे बहु विनती चरणन लागे, अति शीतल बोले सब बेना मेटे सकल कपट के भैना, हे गुरु तुम हो दीन दयाला मैं हूं दीन करो प्रतपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा बहु जल बूढ़त पकड़ो हाथा। अपने गुरु जी के प्रति ऐसी भी नम्रता हो, बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा, बाकी नकली गुरु हैं वह गुरु भी नकली गुरु हैं, वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं, अमर करूं और काल की बंद से छुड़वा कर सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर आता हूं, कबीर परमात्मा जी कहते हैं। तो कहते हैं गुरु जी को कहे इस प्रकार बोले, हे गुरु तुम हो दीन दयाला मैं हूं दीन करो प्रतपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा, हे बंदी छोड़ मैं तो अनाथ हूं। अपनात्मा हब हमें पता लग गया है कि हम जिस भी किसी अपने मान ले भाई को बहन को अपना रक्षक मानते हैं, या किसी राजा की आड़ हम ले करके उसका सहारा मान करके हम सुरक्षित महसूस करते हैं, ये हमारी भूल है। एक हमारे रिश्तेदार का रिश्तेदार था और वो संजय गांधी का खास मित्र निकटतम हो रहा था, और संजय गांधी इंदिरा गांधी जी का पुत्र था जो प्रधानमंत्री थे, और सेकंड प्रधानमंत्री वही था, फर्स्ट वीर सैनिक यानी उसी की चलती थी। उसको जो है ना अपना मित्र बांध के उसने कई आदमियों के साथ खेचातानी गढ़ी कर दी, और वो कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि पुलिस उसके साथ थी, तो उनको खूब तंग कर रखा था।
एक दिन वो एयर क्रैश में वो संजय गांधी मर गया। कहता रिश्तेदार कि वो हमारा रिश्तेदार आंडी पाक रहा था, 6 महीने घर में टट्टी करता रहा, बाहर नहीं निकला। बताओ डर गया को घड़ेंगे तेने काटेंगे, एक बार गिर के कूटेंगे। तो इनका सहारा के मानना, तो क्या बताते हैं कि इनको नाथ नहीं मानना, हम उनको नाथ मान लिया, वो नाथ ना रहा। कहते हैं बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई संरक्षक नहीं, मैं अनाथ हूँ मालिक, मेरा कोई स्वामी नहीं आपके अतिरिक्त। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भौजल बूढ़त पकड़ो हाथा, दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, हो जन्म मरण भव दुख छुड़वावो, यो आधीन हो ऐसे जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। अब ये गुप्त मंत्र एक और है सार नाम, कहते इतना अधीन होगा जब वो गुप्त मंत्र गुरु जी बता सकेगा, अन्यथा आपको वो मिलेगा नहीं। इतने लक्षण आप में आने चाहिए तभी वो काम भी करेगा। गुरु से शेष जब दीक्षा मांगे, है मन कर्म वचन धर है धन आगे, यो अधीन हुए शेष जब भी ही, शेष पर कृपा करे गुरु तब ही, ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रवे अज्ञानी, सतगुर मिले तो अगम बतावे, है जम की आंच ताही नहीं आवे। अब सतगुरु मिले तो अगम यानी सतलोक की जानकारी देवे। अब ये सतलोक की जानकारी डुप्लीकेट पंथ, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले ये नकली पंथ है, ये भी ठेका सतलोक का ले रहे हैं। अरे न कैखे का बेरा नहीं, ना आदि नाम का बेरा, ना उस सतनाम का पता है, ये दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो अगम बतावे, जम की आंच ताही नहीं आवे, गुरु से ही सदा हित जानो, क्यों भूले तुम चतुर सियानो, गुरु सीढ़ी चढ़ ऊपर जाई, सुख सागर में रह समाई, गुरु विमुख सोए दुख पावे, जन्म जन्म सोए डैकावे, गुरु से वैसो चतुर सयाना, गुरु पट तर कोई और न आना। पुणात्माओं, आज का जो सत्संग चल रहा है ये गुरु महिमा के ही विषय में है, और गुरु जी की महिमा जितनी भी हम बोलें उतनी ही कम है। परमात्मा ने यह तक कह दिया, सात समंदर की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा नहीं जावे। आप जी के लिए ये एक विशेष संदेश है परमात्मा का, कि आपने अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु जी के महत्व से परिचित होना अति आवश्यक है। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ये 3 दिन का सत्संग समारोह शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। परमात्मा की रजा से ही ऐसे शुभ काम हुआ करते हैं। यहाँ का जो स्वामी है, यहाँ का भगवान जो काल है, ब्रह्म है, वो नहीं चाहता कि ये प्राणी कोई अच्छा काम करें। वो सभी आत्माओं के, सभी प्राणियों के साथ मन रूप में विद्यमान रहता है, और ये मन काल का दूत है, उसी का स्वरूप है। एक से अनेक होने की सिद्धि के आधार से ये सभी प्राणियों में विद्यमान है, और ये मन इस आत्मा को डरा के, धमका के, मिसगाइड करके इसको जीव संज्ञा में रखना चाहता है। परमात्मा आते हैं, परमेश्वर आते हैं सतगुरु रूप धार के। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्चा मार्गदर्शक।
जब तक सतगुरु हमें नहीं मिलते तो हम